एक सवाल है जिसमें हम पीएचडी कर सकते हैं, ब्रेन का अर्थ क्या है। हमने शुरुआत में ऐसा किया कि हम किसको देखना है। अभी कुछ जब हम बोलते हैं कि दीनता या नम्रता, वैसे ही ब्रेन का सोर्स क्या है, शुरुआत का परमेश्वर है। और हमने बताया कि प्रेम आपके फाइनल मतलब एकदम अंतिम रूप में हमारे सामने कलवरी की क्रूस पे दिखाया गया, भयानक रूप में, मतलब कपड़े उतारे गए, झापड़ मारा गया, मुंह में थूका गया, लेकिन वहां यीशु मसीह के अंदर से क्या निकला, प्रेम। जब चेले छोड़ के जाने लगे तो ये 12 को बोला कि आप भी जा सकते हैं, यीशु को आप भी जा सकते, तो प्रेरित पत्रस कहता है कि हम कहां जाए, जो जीवन का जो वचन है आप ही के पास होता है। मतलब प्रेम अगर आप यीशु मसीह से नहीं सीखे तो किस बाबा से सीखे। अनंत प्रेम सिखाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। नित्य प्रेम, वो प्रेम का परिभाषा भी हमने देखा, जो स्वार्थहीन निस्वार्थ प्रेम, त्याग करने वाला प्रेम, माफ करने वाला प्रेम, अपने आप को दीन करने वाला प्रेम, लेने वाला नहीं देने वाला प्रेम। तो पास्टर ने याद दिलाया, होटल में दिखाई देता है, कॉलेज के गेट पे दिखाई देता है, वो प्रेम अलग प्रेम है। वो प्रेम और ये प्रेम आप जोड़ना नहीं। और प्रेम आप श्रेष्ठ गीत पढ़ोगे, राजा सुलेमान ने लिखा हुआ, वो प्रेम है असली प्रेम जो पति पत्नी के जिंदगी में ही दिखाई देना चाहिए, बाकी का प्रेम को हम वासना करते, वो तात्कालिक है, क्योंकि असली प्रेम में सहन करने की जरूरत है, दीन होने की जरूरत है, लेना नहीं देने की जरूरत है।